नहीं, लोग फर्ज नहीं पड़ते, आप इनमें उलझाएंगे इनको, वो उनको लोग पट्टों को समझ नहीं आता, उल्टा वो कोई ना कोई और उल्टा समझ लेंगे। इस वजह से सादा सादा मसले बयान करूँ। आज का ज़माना ऐसा है, लोग दीन से दूर और दीन से बेजार हो चुके। मैं कुछ कहता हूँ, अच्छा जुमे के बयान में एक मसले को मैं इतनी वजाहत से और इतना आसान करके बयान करता हूँ, सब उसको समझते हैं, लेकिन जुमे के बाद मुझसे पूछेंगे कि ये मसला कैसे। मैंने कहा अभी तो मैंने रोना रोया, तू किधर था? कहते मैं देर से पहुँचा। मैं कहता हूँ गुस्ल खाने में मेकअप करने के लिए चला गया था। ये तो हाल है। अच्छा अभी मशहूर क्या हुआ था, पता नहीं हज का कोई मसला था, फ़ोन किया एक ने वहाँ से मुझे, कहते आपके बारे में मशहूर क्या हुआ कि उन्होंने ये इस तरह नहीं करना। मैंने कहा मैंने तो कभी हज के मसाइल बयान नहीं किए, मुझे खुद नहीं आते हैं, मैंने हज जो किया है, फिर मैं ये मसले में कैसे बयान कर दूँगा। कहते जी वहाँ बड़ा मशहूर हुआ कि जो मुफ्ती दाफ मुफ्ती मुझे कहते हैं, हालांकि मैं मुफ्ती नहीं मुफ्त हूँ, मुफ्त में मसले बता देता हूँ। कहते जी आपके बारे में बड़ा मशहूर किया। मैंने कहा कोई और मुफ्ती दाऊद होगा, उसने मशहूर किया होगा मसला, मैंने ये मसला नहीं बयान किया, खाशा वकल्ला ना किसी को बताया है ना जुमे में बयान किया, मुझे ये मसाइल आते ही नहीं है। मैं एक मसले को बहुत वाज़े तौर पर बयान करता हूँ ताकि उसमें इबहाम ना रहे, गुंजलक ना रहे।